मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही नामांकन भरने का काम भी तेजी से चल रहा है। देवास की महारानी गायत्री राजे पवार को एक बार फिर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हाल ही में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान गायत्री राजे पवार ने जो शपथ पत्र दाखिल किया उसमें एक हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि उन पर लगभग 49,17,000 की देनदारी है, जबकि उनके पास करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति है। देवास विधानसभा सीट से दिग्वंद तुकोजी राव पवार कई सालों तक चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचते रहे थे। उनके निधन के बाद उनकी धर्मपत्नी राजमाता गायत्री राजे पवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंची। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा है। देवास के राज परिवार की संपत्ति पर नजर डालें तो गायत्री राजे पवार के पास 20 लाख रुपए हाथ में नकदी है, जबकि चल संपत्ति की कीमत 5,39,00,000 रुपए से ज्यादा है। इसी प्रकार गायत्री राजे पवार के पास 32,45,00,000 रुपए की विरासत में मिली अचल संपत्ति है। गायत्री राजे पवार ने अपने हालिया शपथ पत्र में बताया कि साल 2023 में उनकी आमदनी 23,74,000 सालाना थी, जबकि साल 2022 में 3,65,000, साल 2021 में 7,59,000, साल 2020 में 7,88,000 और साल 2019 में 13,00,000 के आसपास सालाना आमदनी हुई। हालांकि राजमाता को 20,00,000 रुपए वेयर हाउस का कर्ज देना है। इसके अलावा परिवार के अन्य लोगों को भी कर्ज देना है। इस प्रकार उन पर 49,17,000 रुपए का कर्ज है। बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री तुकोजी राव पवार पैतृक संपत्ति के रूप में 4 पैलेस के मालिक थे। इन 4 पैलेस के अलावा तुकोजी राव 3 किलों के भी मालिक थे। राज परिवार के पास देवास में 3 गेस्ट हाउस भी हैं। इन सब के अलावा 453 हेक्टेयर का विशाल जंगल और लगभग 100 हेक्टेयर कृषि भूमि भी है। जानकारों के मुताबिक पवार वंश के पास सोने चांदी और अन्य कीमती धातुओं का बड़ा भंडार है और उसकी कीमत का आकलन करना संभव नहीं है। खुद तुकोजी राव पवार ने साल 2013 के विधानसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी की एफिडेविट में यह बात लिखी थी। अकूत संपत्ति के मालिक होने के बाद भी तुकोजी राव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्जदार थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पीवाई रोड शाखा से उन्होंने वेयर हाउस के निर्माण के लिए लोन लिया था। 7 नवंबर 2013 के एफिडेविट के अनुसार तब उन पर 1,56,24,999 रुपए का कर्ज बकाया था। सिंधिया राजघराने से जुड़ी है गायत्री राजे। गायत्री राजे का मायका पक्ष ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से काफी नजदीक है। दोनों परिवारों के बीच सदियों पुराना रिश्ता है। गायत्री राजे ग्वालियर के महाडिक परिवार की पुत्री हैं, जो सदियों से सिंधिया परिवार का खास रहा है। उनके परिवार के पितृपुरुष यशवंत राव महाडिक को सिंधिया घराने के महादजी सिंधिया दक्खन से ग्वालियर लेकर गए थे। वो उनके सबसे खास सिपहसालार थे। सिंधिया के दरबार में वो महाराजा के दाहिनी तरफ बैठते थे, जो उस समय का सबसे बड़ा सम्मान था। उनके बाद भी उनके परिवार के सभी प्रमुख लोग सिंधिया राजघराने के खास पदों पर आसीन रहे हैं।